दर्शकों का स्वागत है। बेजमबाग अतिक्रमण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। बेजमबाग सोसाइटी में अवैध निर्माण कार्यों को गिराने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। न्यायालय ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने को कहा है। इस अंतिम आदेश से 369 पंडित परिवारों को राहत मिली है। याचिका पर न्यायमूर्ति रंजन गोगाई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता व न्यायमूर्ति अनिरुद्ध घोष ने सक्षम सुनवाई हुई। बेजनबाग सोसाइटी में सार्वजनिक उपयोग के जमीन पर प्लॉट बनाकर बेचे गए। इस प्लॉट पर घर बनाए गए। इसके खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका लंबित है। इसमें हाईकोर्ट ने गत 26 फरवरी को अवैध निर्माण कार्य को गिराने का आदेश दिए थे। सोसाइटी में अतिक्रमण वाले 54,437 वर्ग मीटर जमीन, मैदान, उद्यान आदि खुले स्थान के लिए आरक्षित है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।